प्रोग्राम हमारी सहित ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं उन कपल्स के हवाले से जो औलाद से महरूम हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद और उसके साथ हाफजा जुनेर अम्बर इलाज के बारे में बात हो रही है हम आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर ज़ुबैर अहमद से बात करेंगे कि इसका क्या इलाज है और हाफजा ज़ुबैर अहमर इन शाह प्रोग्राम के आखिर में हमारी बहनों को और हमारे भाइयों को हमारी फैमिलीज़ को कुछ अहम टिप्स और इस्लामिक नक़ नज़र से कुछ वजीफे या कुछ जो इनके अपने टिप्स हैं वो आप तक शेयर करेंगे इसके साथ साथ डॉक्टर ज़ुबैर अमद आपको बहुत सी बातें बताएँगे और की मैसेज देंगे कि हमें क्या करना चाहिए और उन कपल के लिए एक ख़ास बात इलाज के हवाले से हम बात करेंगे कहीं भी जाइएगा नहीं देखते रहिएगा प्रोग्राम क्योंकि ख़ास तौर पर हम आपके लिए ये प्रोग्राम इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि हमारी कम्यूनिटी में इसके बारे में ज़्यादा आगाही हो ज़्यादा अवेयरनेस हो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे बताया गया है कि हम क्योंकि ये आखिरी हिस्सा है अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके पास वक्त है क्योंकि हमने बहुत से बातें करनी है बहुत से आपको टिप देने हैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी बारे में फ़िक्रमंद हैं आप अपने बारे में या करके किसी और फर्द के बारे में और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं स्क्रीन पैक नंबर आप तक पहुंच रहा है अगर आप नाम नहीं भी देना चाहते तो आप बात कर सकते हैं या हमारे साथ हमारे पास एक मैसेज छोड़ दीजिएगा ताकि हम आपका सवाल का जवाब दे सकें डॉक्टर ज़ुबैर अहमद जब बात होती है ट्रीटमेंट की तो आजकल बहुत से प्राइवेट क्लिनिक भी खुले हुए हैं और जब आई की बात होती है तो काफ़ी हमारी कम्यूनिटी जो है ना ख़ास तौर पर उस जानब तोज देती है जी जी और अक्सर जब क्योंकि ये सहूलत दस्याब है और लोगों को पता है कि इससे ओलाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं हमें यह भी बताया गया कि बाज़ लोग फिर चूज़ करते हैं कि हमारे यहाँ हम बेटा होना चाहिए तो अब तो थोड़ा सा आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में बताइए और फिर आपसे पूछेंगे कि एनएचएस में क्या क्या, क्या सर्विस दस्तिया अच्छा देखिए आई ट्रीटमेंट जो है वो उन कपल्स के लिए है जो कि उन्होंने ट्राई किया है और दवाओं से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और तो उसमें होता यह है कि सेम कपल उसका जो जो मेल पार्टनर है उनका स्पर्म जो है वो अपटेंड करते हैं और फीमेल की जो ओवरी को स्टिमुलेट करके जो कुछ हेल्दी एग हैं वो लेते हैं उसके बाद उसको जो है वो एग और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज़ किया जाता है और उसके बाद जो जो फर्टिलाइज एग जो होता है वो फिर वो जो एम्ब्रियो कहलाता है उसको फिर वापस हम जो है वुमेन की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो वो वहाँ पे इम्प्लांट होता है और जो फिर माशा उसके बाद जो जो वुमेन है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे कि नौ महीने की होती है वो होती है उसमें अच्छा ये भी दुरुस्त है कि कई दफ़ा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है क्या दो हाँ। या तीन बच्चे या हो सकते हैं क्या ये ये होती है क्योंकि उसमें क्या होता है कि फेलियर रेट्स ज्यादा होते हैं तो हम जब आई की बात करते हैं उसमें साइकिल की बात करता है कि पहला साइकिल दूसरा साइकिल तो उसमें क्या होता है कि अमूमन जो एग जो फर्टिलाइज़ किए जाते हैं वो मोर देन वन किए जाते हैं दो या तीन बाजा अवकात में कुछ ज़्यादा और वो सारे फिर वो जो हैं वुमेन की बॉडी में जो वूम है उसमें इम्प्लान्ट किए जाते हैं तो उसमें उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर क्या होता है फेलियर रेट ज़्यादा होता है तो इसलिए चूँकि इंक्रीज़ द सक्सेस रेट वो मोर देन वन फर्टिलाइज एग्स आर ट्रांसफर्ड तो उसमें क्या होता है कभी कभी बाजा अवकात में जो है वो दो या तीन सभी में जो है वो ट्रांसफर जो होता है सक्सेस आ जाती है तो होता है कम है लेकिन होता है, होता है। हा, हाँ सिर्फ तो उसमें तीन तीन बच्चों की प्रेगनेंसी भी हो जाती है दो भी होते हैं ट्विन्स भी होते हैं ट्रिपलेट्स होते हैं अच्छा जब बात टेक्नोलॉजी की होती है वो तो इतनी इम्प्रूवमेंट हो जी और दिन ब दिन ये इम्प्रूवमेंट हो रही हैं तो क्या क्लिनिक ऐसे भी हैं जो ये भी प्राइवेट क्लिनिक ऐसे भी हैं जो भी ये डिसाइड कर सकें कि लड़का या लड़की होनी चाहिए हाँ देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बहुत सेंसिटिव भी है लेकिन ये चीज़ जो है हम अपनी कम्यूनिटी में ज़्यादा देखते हैं कि आम, जो कपल है अगर आ, वो चूज़ कर रहे हैं कि हम प्राइवेट आईवीएफ ट्रीटमेंट कराएंगे तो फिर उनकी ख्वाहिश यह होती है कि भाई हम हमें लड़का चाहिए अब उसकी कोई वजह नहीं है लेकिन ये हमें हमारे ख़ुद एक मरीज़ हैं उनमें तो क्या है कि यूके में जो प्राइवेट ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं जो आईवीएफ के और इस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो दे आर वेरी वेल रेगुलेटेड है ना तो उसमें जो है वो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रोलॉजी अथॉरिटी है जो कि एच एफ ई एक जो वेबसाइट है उसमें जाके सारी तो वो बहुत ही टाइटली रेगुलेट करती हैं इन क्लिनिक को कंट्रोल करते हैं एंड दे कीप ए क्लोज आई ऑन दीज क्लिनिक्स दे आर ऑफरिंग तो ये यू में इलीगल है आ एक कपल ये नहीं कह सकता है कि मुझे बच्चा जो है मेल चाहिए ठीक है लेकिन ऐसी बड़ी सारी क्लिनिक्स हैं यूरोप में जो कि ये ऑफर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें मालूम नहीं है कि वो रेगुलेटेड हैं कि नहीं हैं और उसमें कभी कभी कपुल जो हैं वो उसका शिकार बनते हैं और पैसा टाइम सब कुछ ज़ाया करते हैं अल्टीमेटली क्या होता है कि उसमें जो फीमेल है वो आ, बेचारी वो सफ़र करती है क्योंकि वो शी समाइम्स मैंने देखा मेरी एक मरीज़ भी हैं तो वो जो है वो अपने हस्बैंड की विशेज के आगे झुक जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है मैं जो यूरोप में कहीं और भी क्लिनिक्स हैं और भी मजीद जो क्लिनिक्स हैं वो इंटरनेट पे देख के तो वो जाके और वो क्लिनिक जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरह का है क्या क्वालिटी है क्या रेगुलेशन है ये हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है तो मैं तो एक डॉक्टर के नाते भी जो है ना ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है और ठीक है? है थोड़ी देर बाद आपसे पूछेंगे कि एन पर यहाँ पर यू में क्या है लेकिन पहले जुनैरा अम्बर से बात करते हैं कि ये जो हम प्रेशर होता है फैमिली प्रेशर या फिर ख़ुद एक ख्वाहिश होती है कि हमारे हम बेटा होना चाहिए बेटी नहीं तो ये जो लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं क्या उनको मशवरा आप देना चाहेंगे मैं ये समझती हूँ कि कुरान फहमी से पता चलता है कि ये तो टोटली मुशरिकों का एक कॉन्सेप्ट था अल्लाह ने तो औलाद की नेमत अता फरमाई और बेटा और बेटी दोनों ही ज़ाहिर औलाद और अल्लाह की नेमत है बल्कि अक्सर मकाम पर इवन कुरान पाक में सुर इमरान के हवाले से मैं बात करूँगी कि बीबी मरीम की जो पैदाइश से पहले उनकी वालदा ने यह सोचा कि अगर उनके यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसे अल्लाह की खदम इबादत में लगा देंगी दीन की खिदमत में लगा देंगी तो जब बीबी मरीम पैदा हुई तो उनको ये ख्याल हुआ कि अब मैं कैसे अपनी मन्नत को पूरा करूँगा शायद अब मुझे वो मकाम नहीं मिलेगा कि अगर मैं किसी बेटे की पैदाश के बाद उसको दीन की खिदमत में लगा देती तो अल्लाह ताला ने उन पर इ्हाम फरमाया जो सरे आल इमरान में मौजूद है कि अल्लाह फरमाता है कि लई सत ज़िक्र जक्रु कल उनसा के जो बेटी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है मर्द उसके बराबर नहीं है यानी जो मक़ाम उस बेटी को दिया खुद रसूल अल्ला वसलम की आप देखिए मिसाल वो जो कहते ना कि पूरी दुनिया उनकी वजह से तख्लीक हो गई और हर दुआ उनकी कबूल होती थी अगर आप चाहते तो क्या अल्लाह ताली रसूल सल्ला को नरीना औलाद ना अता फरमाता या बेटे ना अता फरमाता लेकिन आपकी सब बेटियां साहबजादियां हैं बेटियों से आपने मोहब्बत करके मिसाल भी कायम की हमारे लिए सबक भी रखा कुरान में मौजूद है ये बयान कर दिया गया कि मुशरक़ ये चाहते थे कि उनके यहाँ उनमें से किसी के घर अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो गम से काला पीला पड़ जाता था और बेटे होते थे तो उस पर ख़ुशी का इजहार किया करता था तो ये तो एक मशरकाना सोच है जिससे अभी तक हम नहीं निकल सके तो पहले तो यही वाली बात आ गई कि बेटी को अल्लाह ताला की रहमत और बेटे को नेमत करार दिया गया दोनों ही होने चाहिए ख्वाहिश भी होनी चाहिए दुआ भी करनी चाहिए अगर कोई टिप्स पता चल जाए उस पर भी अमल करके देख लेना चाहिए लेकिन बेटी के हो जाने की सूरत में यानी इतने डेस्परेट ना हो जैसे दर्स में जाती हूँ खुतिन कहती हैं हाँ उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं है चलो बेटा नहीं तो अल्लाह बेटी दे दे

परमिशन दे रहे हैं जिसकी बड़ी जरूरत है मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है ये पाकिस्तान के किसी दीनी शहर से प्रोग्राम आप यू चैनल पाकिस्तान के किसी शहर से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए कि ये मोहतरमा का लबास देखकर मैं हैरान रह गया कि यहाँ बरतानिया में होते हुए भी अल्लाह अल्लाह के सूर की मोहब्बत रखने वाली कुछ मोहतरमा जैसा अल्लाह ने फरमाया कि मेरे कुछ मर्द कुछ औरतें मेरी जमीन में सुबह इक्यामों तक रहने वाली है या रहने वाले हैं यहाँ तो बरतानिया में मैं देखता है, देखता रहता हूं कि कपड़े ही नहीं मिलते जिसम औरतों के जिसम अक्सर नंगे होते हैं और घूमती फिरती रहती है जिस तरह जैबरा फिरती है जंगल में ही सरा लेकिन मैं ईरान हूँ यहाँ बरतानिया की सरजमीन पर कोई डॉक्टर कुछ औरतें हमारी ऐसी हैं जो दीनी मालूमत भी रखते हैं और डॉक्टरी लाइन की साइंस जो अला करीम ने इनके दिल में महफूज किया उसको भी मैं अब साल की तरफ जाता हूँ हुआ लाइफ और नॉलेज में बरकरार था फरमाए ताकि ये, ये और नई गई मालूमत फ्रहम कर सके जो कौन को जिसकी जरूरत है जैसा क्या डॉक्टर साहब ने फरमाया बाद और के लिए अक्सर औरतू के लिए सेफ्टी इंश नौजवान ने प्रोवाइड की है Uh, कि आज से पहले पचास साल अगर ये डॉक्टर साहब ने आज बात कही अगर पचास साल कोई क्या था तो डॉक्टर साहब को लोग कत्ल कर देते कि तुमने ऐसी बात क्या डाली है जो जिसका इलम सिर्फ रब करीम को है रब अपना इलम किसी को देता नहीं है तुमने क्या कह दिया लेकिन मुसलमान डॉक्टरों ने किसी के ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो पैगाम पहुंच गया वैसे मैं बता दूं कि मैं और डॉक्टर जुबैर भी कभी कभी शलवार पहन लेते हैं <laughs> और मैं तो जब पे एक दो दफा प्रोग्राम <laughs> थे तो रमजान में ज्यादा पहनता हूं मैं, मैं इन इनके भाई के थोड़े से कमेंट्स देना चाहूंगी पहले तो बहुत शुक्रिया इतनी उन्होंने इस काबिल समझा और तारीफ की और मुझे उनके जो बात लाइन ड्रॉप हो गई लेकिन समझ आ गई बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं हमेशा से दुनिया का दस्तूर यही रहा है कि जो चीज़ अकल को तस्लीम नहीं करती या उनके मिजाज के खिलाफ होती है तो वो कहने वाले की जान के दरपय हो जाते हैं अच्छा एक दफा एक दर्स में किसी ने सवाल किया कि आप तो कहते हैं कि गैब का इल्म अल्लाह को है तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बता दे कि बारिश कब होगी बात ये है कि इसका जो फही जवाब है दीन का वो ये कि अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं इंसान को तभी उसका इल्म होता है जब उसके ऊपर तहकीक करके यानी वह जब जब आसार पैदा कर चुका होता है अल्लाह ताला उसके बाद उसे इल्म होता है कि ये आसार बारिश के जब तक सिचुएशन बन नहीं चुकी होती बादल आ नहीं जाते हवा में मॉइस्चर बढ़ नहीं जाता तब तक तो कोई नहीं बता सकता कि बारिश होगी या नहीं होगी तो बिल्कुल बेटा या बेटी के होने का या ये तहक़ीक अल्लाह ने इंसान को इतनी अक्लता फरमाई कि वो चीज़ों को समझ रहा है कि अल्लाह का निजाम क्या है किस निजाम के तहत कौन से सेल्स हैं जिससे बेटी पैदा हो रही है और वो कौन सा निजाम है और कौन से सेल्स हैं जिनसे बेटा पैदा हो रहा है तो ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता लेकिन भी भी। जब इंसान तभी तो कुरान में फरमाया गौर फिक्र करो भी जैसे जैसे हम ये देखते जाते हैं तो हमारा ईमान अल्लाह की जात और कुदरत पर और ज्यादा बढ़ता जाता है तो साइंस दीन से हटकर नहीं है जब भी मौलवी कोई जो टिपिकल मौलवी हुआ करते थे कोई साइंटिस्ट बात करता था तो उसकी जान के दुश्मन बन जाते थे लेकिन जो अहल थे जो अकल वाले थे जो दीन वाले थे वो अल्लाह की जाबान अल्लाह कहते थे कि वाह अल्लाह मेरे रब तेरी शान तेरी कुदरत तो ये तो हर दौर में ऐसा होता ही आया भाई ने, ने, ने बिल्कुल सही और खान मैं आपको बताया देता हूँ कि हाफजा जुनैर अम्बर उमा चैनल पर एक खास प्रोग्राम खास पर यो क्वेश्चन आंसर ट्यूजडे की शाम को करती हैं आप जरूर देखिएगा और बहुत सी बहनें इससे इस्तफा उठाती हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद वक्त बहुत कम है एन के तहत क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं उन बेला बे उलाद कपल्स के लिए जो उलाद की तलब में हैं। तलब में हैं। जी हाँ देखें एन एच एस में जो है फंडिंग्स अवेलेबल हैं लेकिन वो सबके लिए नहीं हैं उसकी एक क्राइटीरिया है और उस क्राइटीरिया के तहत जो है वो फंडिंग के इम्कान हैं और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं जो फंडिंग्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो सब तरफ मुख्तलिफ हैं नॉट ओनली इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड इस्काटलैंड नॉर्दलैंड बल और इंग्लैंड में भी जो है विद इन इंग्लैंड इट डिपेंड करता है कि आपकी जो हेल्थ अथॉरिटी या पी सी टी है कि वो क्या है तो मोटे तौर पर जो इंग्लैंड में जो नाइस गाइडलाइंस हैं तो उन्होंने जो पब्लिश की थी गाइडलाइन अपनी तो उन्होंने ये बताया कि जो है वो अप टू थ्री साइकिल्स ऑफ आई वी एफ कैन भी अवेलेबल फॉर कपल्स इस्पेशली फॉर फीमेल हुज़ उनकी एज का क्राइटीरिया है कि बिटवीन ट्वेंटी थ्री टू थर्टी नाइन और उसमें क्या है कि जिनकी जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो तीन साल से ज़्यादा की है और उस उसका एक और क्राइटीरिया यह है कि डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है क्योंकि बाजा अवकात में क्या होता है कि ये सूटेबल नहीं है एक आखिरी ले लेते हैं और फिर लेस्टर से हमारे साथ मौजूद है असल फारूक भाई भाई जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी लेट स्टार्ट किया जी 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 आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप बहुत अच्छे प्रोग्रामा चैनल पे के रिलेटेड तो सब करते हैं। इसलिए मैं आपको दिली देता हूं। और फिर थर्सडे की आफ्टरनून को आता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज का प्रोग्राम जो है ना इसको खास तौर पर किसी शाम को भी करें आज शाम को नहीं आज शाम को नहीं होगा ये अगले चंद हफ्तों में ये आप अगर देखते रहेगा तो आपको ये और आप, बहुत आपके प्रोग्राम में कभी-कभी देखता हूँ बहुत अच्छे होते हैं और इसको, इसके आपको दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ फरूख भाई तो, अगले जुमेरात को साढ़े बारह बजे हम कोशिश करेंगे कि अगले थर्सडे को ना हाफ इसको रिपीट करेंगे आपके लिए खास तौर पर और युँ? दूसरा मुझे ये कहना है कि मेंटल रिलेटेड मैंने देखा है आपने बहुत सारा प्रोग्राम मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया है जी जी। तो फिर उसको दोबारा भी बताया तो कॉम में ये बहुत जरूरी है इंशाल्लाह अगले दो हफ्तों बाद इंशाल्लाह बल्कि हम इस पर बात करेंगे दो हफ्तों बाद मेंटल हेल्थ पर बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया फारूक भाई।, okay, भाई और ये हमारे आखिरी कॉलर थे माजरात आपको मैंने इंटरप्ट करना, करना पड़ा मैं दिलीप तो पर माजरात पाहूं वैसे मैं तारीफ के लिए <laughs> <हो> नहीं लेता <laughs> लेकिन मैं फारूक भाई मेरे ख्याल में वो रिपीट देखना चाहते थे क्योंकि अभी व्यूज तो अच्छा तो अच्छा तो आपने कहा कि 23 से 29 एज 39 39 थर्टी हाँ, तो मैंने तो सब... कम कर देता नहीं, नहीं 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 लेकिन जो इस फंडिंग के इशू हैं जो स्पेशली फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं एंड वेरी करते हैं बहुत कुछ पीसीटी है। जो हैं कुछ हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो तीन अप टू तीन साइकिल अलाउ करती हैं कुछ एक ही करती है अलाउ है कुछ बिल्कुल भी नहीं करते हैं और, और ये भी डिपेंड करता है कि वो कपल जो है उसकी पहले उन कपल में औलाद हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है जो इन्वेस्टिगेशन हुए उसमें यह पाया गया है कि क्या आइडेंटिफेबल कॉज है कि भाई स्पर्म में कमी है या ट्यूबल का ब्लॉकेज है वो ठीक नहीं हो सकता है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया है और, और इसके लिए बेहतर ये होगा कि फंडिंग अवेलेबल है लेकिन इट डिपेंड करता है कि कहाँ पे हैं और अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको ज़्यादा सलाह देंगे ठीक है हाफ से जुनारा अंबर थोड़ा सा वक्त है लेकिन मैं चाहूँगा कि इस्लामी नुकतः नजर से आप क्या तजवीज़ करेंगे लोगों को कि क्या कर सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अल्लाह की जात पे भरोसा इसको मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ से जरूर अटैच करना चाहूँगी कि जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं बहुत सी चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी जैसे अभी कहा कि स्ट्रेस एक मेन फैक्टर बन जाता है कंसीव नहीं करने के लिए तो आप ग्राउंड को खुद ही स्मूथ नहीं कर रहे ऑलरेडी स्ट्रेस में आकर तो मैं इसको दीन से कहना चाहती हूँ कि जो अल्लाह ने फ़रमाया कि अल्लाह बंदे के गुमान की तरह है जैसा कि वो उससे गुमान करता है जब हमारा ईमान अल्लाह की जात पे पुख्ता हो जाता है और हम डिटर्मिंड हो जाते हैं कि मुझे ये काम करना है और अल्लाह ताला मेरी इसमें मदद फ़रमाएगा तो अल्लाह ताला की मदद भी वहाँ आ जाती है पहली बात तो है कि अल्लाह की जात पे भरोसा रखें पूरी कोशिश पूरा अमल इलाज मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि तवक्ल से पहले अमल करें और फिर अल्लाह की ज़ात पर यही हमारा दीन हमें सिखाता है यही कुरान और हदीस की तलीमत हैं उसके बाद ये चीज़ है कि जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक और लाइफ स्टाइल के जो ग़ज़ाएँ हमने शामिल रखी हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु रसोल्ला सल्ला विन ज़ाओं को पसंद फ़रमाते थे और अपने साहबा साथियों अपने उम्मति को भी उसकी अक्सर औकात आप उसकी फ़जीलतें बयान फ़रमाते थे इतनी हिकमत से बात फरमाते थे आपका कह देना कि ये चीज़ खाया करो साहबा के लिए कोई उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता था इसलिए आपने उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया आज हम उन उनओं पे जब रिसर्च करते हैं तब हमें पता चलता है मैं छोटी सी बात कहूँगी कि खजूर शहद और छुहारे बड़ी अच्छी चीज़ें हम एक दफ़ा वजीफा बताते थे कि एक सौ छुहारों के ऊपर जो ये जो डेट्स होती है ना फ्रेश ड्राई डेट्स जो हैं एक सौ ग्यारह मरतबा या खाली को या बारियो या मशविरो मैं रिपीट कर देती हूँ या खालो या बारियो या मुश्विर एक सौ ग्यारह मरतबा चुहारों पर पढ़ कर रखें और हस्बैंड और वाइफ दोनों नार मुँह जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल एमटी स्टमक जब सुबह उठते हैं तो फिर वो तीन या पाँच अब डिपेंड करता है कि मौसम वेदर कैसा है तो तीन या पाँच चौहारे वो रोज़ खाकर पानी पिएँ और अल्लाह तला से दुआ करें क्योंकि दुआ तकदीर को बदल देती है अमल तकदीर को बदल देता है तो अल्लाह की जात पे भरोसा रखें और दुआ ये करें ठीक है इंसानी ख्वाहिश है और अल्लाह ने मना भी नहीं फरमाया कि आप बेटे की दुआ ना करें या बेटी की नहीं लेकिन सच तो यह है कि कुरान और हदीस से पता चलता है कि बेटी को मकाम और रियायत ज्यादा दी गई और आपने फरमाया कि जिसकी तीन बेटियाँ हैं और उसने उनकी परवरिश की तो वो जन्नत में मेरे ऐसे करीब होगा जैसे हाथ की दंगलियाँ करीब होती हैं और फरमाया कि उस पर जहन्नुम अल्लाह ताला ने हराम कर दी तो ये बेटियों की फ़ज़ीलत है जो अल्लाह ने औलाद दी है उसकी कदर करें और नहीं है तो दुआ करें और माशरे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के लिए तरस रहे हैं बे औलाद हैं कोशिश करें कि उन्हें आप अडॉप्ट कर लें और यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि फ़रमाया सबसे बेहतरीन घर ज़मीन पर वो है जहाँ कोई यतीम बच्चा तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ छोड़ना पड़ रहा है डॉक्टर जुबैर अहमद बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए इन शाह हम कोई और वक्त और कोई प्रोग्राम हेल्थ के हवाले से करेंगे और आप दोनों को दोबारा दावत देंगे इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा इन अगले हफ्ते एक और मेहमान एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपना और अपने खानदान की सेहत का ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़